नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकिस और मैं स्वागत करता हूँ सभी का फिर से हमारे डिजिटल चैनल डिस्टिंग पे, जहाँ पर हम बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की बिजनेस न्यूज। सबसे पहले न्यूज है इन्फ्लेशन की तरफ से, जो कि रिटेल इन्फ्लेशन की दर घटकर 4.29% तक आ चुकी है। साथ ही इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो इसमें बढ़ोतरी हुई है, जो कि 22.4% है। अगली न्यूज़ है दोस्तों इंफोसिस के को फाउंडर SD सिबूलाल जी की, जिन्होंने अपनी ही कंपनी के शेयर्स 100 करोड़ रुपए तक की खरीदी है। अगली न्यूज़ है दोस्तों यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोविशील्ड की जो वैक्सीन की डोजेस का जो गैप होना चाहिए उसमें से 12 से 16 हफ्ते तक का होना चाहिए। अगली न्यूज़ है दोस्तों एयर इंडिया की तरफ से, जो प्लान कर रहे हैं कि अपने सारे एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेट कर दें टिल एंड ऑफ मई। पिछली न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि SpiceJet भी इसी राह पे चल रही है, जो कि 17 मई से उन्होंने भी प्लान किया है कि 17 मई से पहले पहले तक वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेट कर दें। अगली न्यूज़ है दोस्तों गो एयर की तरफ से, जिसका IPO लॉन्च होने वाला है, और उन्होंने ये बताया कि वो IPO के लॉन्च होने के आगे ही वो अपने ब्रांड को रीब्रांड करने वाले हैं, रीनेम करने वाले, बेसिकली गो फर्स्ट के लिए, ताकि वो इसके अपने कैरियर को अल्ट्रा लो कॉस्ट पर ऑपरेट कर सके अपने मॉडल को। ठीक है, अगली न्यूज़ है दोस्तों टेस्ला की तरफ से, आपको पता होगा कि इलॉन मस्क जी ने अपना हाथ है सो बिटकॉइन के ऊपर से हटा दिया है। जोक्स अपार्ट, एक्चुअली हटा नहीं दिया है, वो बेसिकली बोल चुके हैं कि अब बिटकॉइन से आप टेस्ला परचेज नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो ये ट्रांजेक्शन को आप रोक रहे हैं वो बेसिकली। और इसी के साथ बिटकॉइन की जो प्राइसेस है उसमें 17% का डिप भी आया है। अगली न्यूज़ है दोस्तों TVS मोटर की तरफ से, जो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर कर रही है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सैलरी, ताकि वो अपने फैमिलीज़ को कवर कर सकें मेडिकल टर्म्स में, जो कि अभी करंट सरकमस्टांसेस जो चल रही है कोविड को लेकर के। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर उनकी कोई एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाती है कोविड-19 से की वजह से, तो वो उसके फैमिलीज़ का कुछ खर्चा भी उठाएंगे, और साथ ही उसके चिल्ड्रन को एजुकेशन में भी मदद करेंगे अंडर ग्रेजुएट तक। अगली न्यूज़ है दोस्तों माइलिन फाइंड्री की तरफ से, जो कि एक टेक आर्टिफिशियल स्टार्टअप है, जिसने अभी फंडिंग रेज किया अभी हाल ही में प्री सीरीज ए राउंड फंडिंग, जिसमें उन्होंने $1 मिलियन का फंडिंग रेज किया है। अगली न्यूज़ है दोस्तों रुचि सोया की तरफ से, जो कि एक पतंजलि ने उसे बेसिकली पास्ट में खरीदा था, जो कि जब वो लॉस में जा रही थी, और अभी रुचि सोया ने पतंजलि का ही बिस्किट का जो बिजनेस है वो उसने खरीदने का प्लान किया है 60 करोड़ में। अगली न्यूज़ है दोस्तों इसके एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो कि एक फंडिंग रेज किया अपनी सीरीज ई राउंड में लगभग 337 करोड़ रुपये। अगली न्यूज़ है दोस्तों गूगल की तरफ से, जिस पर इटली ने फाइन लगाया है $123 मिलियन का। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली गूगल मैप्स को फेवर कर रही है, जिसमें कि उन्होंने जूस पास एक ऐप है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन ढूंढने और बुक करने की प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, उस पर उन्होंने अलाउ नहीं किया गूगल 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 ने डाउनलोड के लिए, इसलिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। मैं डेली का डेली बिजनेस न्यूज़ अपडेट्स, स्टार्टअप अपडेट्स, केस स्टडी देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।